नमस्कार, वेब दुनिया लाइव में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूँ प्रीति। योगी सरकार के आने के बाद गाय काफी चर्चा में है, लेकिन हम जानना चाहेंगे कि युवाओं का क्या व्यू है गाय को लेकर। चलिए उनसे बात करते हैं। जैसा कि बचपन से हम देखते आए हैं कि हमारे माता पिता ने भी सिखाया है कि गाय हमारी माता है, तो हमें गाय की आदर करना चाहिए। और जैसे देखते हैं लोग काटते हैं, मारते हैं, और ये चीज़ बहुत गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लोगों को मतलब श्रद्धा की उससे देखना चाहिए, भक्ति की उससे देखना चाहिए, क्योंकि गाय एक डिवोशनल टॉपिक भी है काफ़ी। तो लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए, लोग बहुत गलत करते हैं। गौ मास का क्या है कि आप गौ मास एक बार में खा के ख़त्म कर दोगे, अब गाय को पकड़ो, उसका दूध निकालो, जिंदगी भर खुश रहो। तो अब ये बेटर ऑप्शन है आपके लिए गौ मास से, अच्छा कि आप उसका दूध को यूज़ करें। आजकल गाय मतलब हर जगह आवारा पशुओं की तरह घूम रही है, वो भी एक तरह से बहुत गलत है। और उनको कुछ खाने को मिलता नहीं है, वो इधर उधर की प्लास्टिक पन्नियाँ ये सब खा रही है, तो वो भी बहुत गलत है। उससे मतलब उनके अंदर जो बीमारियाँ आ रही है वो जो सोसाइटी है उनमें भी फैल रही है, तो वो एक डिसीज कॉज कर रही है। हाँ, यहाँ पर गौ मांस मतलब उसमें भी बहुत सारी बीमारियाँ हो सकती है खाने से, और एक तरह से मतलब इसका विरोध भी होता है यहाँ पे गौ मांस खाने का। हम लोग तो देखते हैं डेली कुछ ना कुछ फेस्टिवल होता है, डेली गाय की हम पूजा करते हैं, डेली गाय में रोटी देते हैं, मतलब डेली हम गाय को पूजा करते हैं। आसपास हमारे इंडिया में ज़्यादा तो नहीं है, काफ़ी अवेयरनेस बढ़ गई है गायों के बारे में कि ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए, उनकी हेल्दी कंडीशन, काफ़ी अच्छे गौशाला खुल गए हैं, काफ़ी लोग इनके बारे में बहुत अच्छे से प्रोवाइड कर रहे हैं इनके बारे में, तो इनकी सेफ्टी बढ़ रही है। और बाकी हमें खुद से भी ध्यान रखना चाहिए इनके बारे में। हाँ, रिलीजन कोई भी हो, पर वैसे मानवता की दृष्टि से हमें गाय का कत्ल तो नहीं करना चाहिए। गाय पहले तो हमारी धार्मिक कड़ी से जुड़ी हुई है, तो गाय की जो हत्या हो रही है आसपास, हत्या गाय की बढ़ती जा रही है, ये नहीं होना चाहिए। गाय हमारे लिए बहुत उच्च स्थान दिया गया है हमारे हिंदू धर्म में, तो गाय को लेकर ऐसा है कि गाय का कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए। यदि आप गाय का अपमान करते हो तो आप अपने माता पिता का अपमान करते हैं। इसी के साथ मैं कहना चाहूँगा कि जो गाय होती है, गाय हमारे लिए सबसे ऊपर होती है।